क्या आपका YouTube है? हाँ, पवन ब्लॉग्स। पवन ब्लॉग्स। मैं बिहार से हूँ। भैया को सब्सक्राइब करना। तो यही शंकर और पार्वती जी का कन्यादान हुआ था जंगल में बीचों बीच। आपने फिल्म वाली में देखा होगा, त्रेता युग से ये आग जल रही है। पहाड़ के ऊपर थोड़ा गुम हो गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबको हर हर महादेव। तो आज हम जाने वाले हैं ऐसी जगह जहाँ सोच भी नहीं सकते, और वो दिखाऊंगा तो आप बहुत खुश होगे। जहाँ महादेव और पार्वती जी की शादी हुई थी, हम आज वहाँ जाने वाले हैं। वो भी जंगलों के रास्ते, ना हमें रास्ता पता है, और ऐसा ऐसा रास्ता रहा है जहाँ से एक जगह से चार रास्ते डिवाइड है, ना हमें कुछ भी पता है। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा जाने में, और कम से कम ऐसे 5 से 6 किलोमीटर है जंगलों की ट्रैकिंग। आप देख सकते हैं सिर्फ जंगल ना कोई इंसान है, और हमारे दो भाई साथ में। भाई आपका नाम? राम पवार फ्रॉम इंदौर से हैं भैया, और ये विकास। और ये दो भाई हमारे साथ देंगे ट्रैकिंग में, क्योंकि मुझे भी रास्ता पता नहीं और ना इन्हें भी रास्ता पता है। तो वीडियो में बने रहे, बहुत मजा आएगा, और हो सकता है कि हम जंगल में गुम भी हो जाए। तो वीडियो में लास्ट में बने रहे और वीडियो को आगे तक देखते रहे। तो फिलहाल हम घुस गए, अभी हम पहाड़ के ऊपर थोड़ा गुम हो गए हैं, रास्ता समझ नहीं आ रहा है किधर जाए। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में है, और कहा जाता है कि इसी रास्ते से महादेव की बारात गई थी, और इसी रास्ते से महादेव अपनी बारात लेके गए थे। और फिलहाल तो हम रास्ता गुम हो गए हैं, रास्ता ढूंढते हैं। फोन में ना सिग्नल है ना मैप चल रहा है, और आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ों के बीच में हम हैं, या ना इंसान कोई दिख रहा है ना जानवर। तो चलते हैं आगे, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है ट्रैकिंग करने में, और आप भी देखिए, आप भी मजे लीजिए। हम तो वैसे ही परेशान है, रास्ता भूल गए ढूंढ रहे, रास्ता मिलता है तो आपको अपडेट करते हैं। सो गाइस, फाइनली जंगल में गुम हो गए थे, लेकिन हमें दूर से एक गाँव, एक कस्बा दिखा, और हम वहीं जा रहे हैं। और गांव कस्बा दिख गया, वरना हम जंगल में भटकते रहते। और ये देखिए, पहली बार मैंने देखा कि उत्तराखंड के पहाड़ों में मतलब होती है, मैंने पहली बार देखा ये खेती हो रही है। और ये देखिए, ये गेहूँ है, गेहूँ बोया गया है पहाड़ों में। ये बहुत कम लोगों को देखने का नसीब होता है पहाड़ों में गेहूँ, और मैंने हम अपने गांव में देखे हैं, और मैंने यहां देखा फर्स्ट टाइम कि गेहूं बोया जा रहा है और खेती हो रही है। तो फिलहाल चलते हैं, छोटा सा जो गांव सा कस्बा दिखा है वहां पता करते हैं कि आगे का रास्ता कहां से है और कैसे है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, कोई सा आइडिया नहीं है, तभी जाके हम लगभग 1-2 घंटे से पहाड़ों में भटक रहे हैं। चलते हैं अभी गाँव की तरफ। सो गाइस, फाइनली मैंने वो गाँव और कस्बा पार कर लिया, पीछे रहा। उनसे मैंने पूछा कि जाना है त्रिगुनाथ मंदिर, तो उन्होंने बोला वहाँ से चले जाइए, वो रास्ता जाएगा। मैं आ गया, और यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे हैं, कि ये जो ऊपर जंगलों की तरफ जा रहा है, और ये जो ये भी जंगलों की तरफ जा रहा है। तो मुझे पता नहीं यहाँ से कौन सा रास्ता मंदिर की तरफ जाएगा, और मैं कंफ्यूज हूँ, और मेरे साथी नीचे, और उन्हें भी पता नहीं है। तो कोई लोग आ रहे हैं तो उनसे हम पूछेंगे कि रास्ता कहाँ जा रहे हैं। और देखिए, हमारी किस्मत भी सही है, महादेव जी मेहरबान है कि एक आदमी आ रहा है। चलिए उनसे पूछते हैं कि त्रिलोकी नारायण मंदिर रास्ता कौन सा जाएगा। अंकल, रास्ता कौन जाएगा मंदिर की तरफ? ये तो अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं कंफ्यूज था, मुझे जहाँ तक अनुमान था कि ये पीछे वाला रास्ता जाएगा, लेकिन रास्ता जाएगा ये। तो चलते हैं ऊपर, और ये तो कुछ ज़्यादा ही जंगलों की तरफ जा रहा है। देखिए आप कैसा जंगल मिल रहा है, ये रास्ते से होके जाना पड़ेगा। पहले चलते हैं ऊपर, ट्रैकिंग करते हैं। सो गाइस, फाइनली हमें एक जगह स्टे लिया, क्योंकि अभी लगभग 4 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं उन जंगलों के बीच में से आए हम लोग, और ये देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है, और ऊपर तक चढ़ाई ही है। तो अभी मंदिर पता नहीं कितना दूर है, लेकिन रास्ता यही जाएगा। हमने मतलब यहाँ के लोकल लोगों से पूछा तो रास्ता यही जाएगा। चलते ऊपर, बहुत थकान हो गई है, थोड़ा स्टे ले ले, फिर आपको दिखाएंगे कि महादेव की शादी कहाँ हुई थी। एक और बात, वहाँ एक ऐसा अग्नि है ना भाई, जो जलता रहता है, वो तृतीय युग से अभी तक जल रहा है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर चलते हैं ऊपर। एक चाचा मिले हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, वो कुछ बता रहे हैं क्या क्या खेती होती है। राजमा भी आपके इधर ही होता है क्या? बहुत होता राजमा। क्या शुभ नाम आपका? राकेश चंद्र पूर्वांचली। चाचा का नाम है राकेश चंद्र पूर्वांचली, जो अभी नीचे से खेती करके आ रहे हैं। और ये रहा इनका बैल। तो हम पहाड़ी इलाकों से जा रहे थे, तो हमारे कुछ भाई लोग मिले, और ये काम कर रहे हैं, ये पहाड़ में जो पानी जाता है उसी का पाइपलाइन का काम कर रहे हैं, और इन्हीं की वजह से हमें पहाड़ों में पानी मिल सक पाता है। भैया आपका नाम? नवीन पवार। भैया आपका नाम? आपका भैया आपका प्रेम।
यही भैया लोग के कारण हमें पहाड़ में पानी मिल पाता है, कहीं हम लोग आ जा पाते हैं। और आप देख सकते हैं भैया लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। और ये देखिए यही पाइपलाइन यहाँ से काट के ये जोड़ा गया है। तो चलते हैं अब ऊपर की तरफ। सो गाइस फाइनली अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और है और हमने दूसरी बार स्टे लिया है। और अभी स्टे लिया तो भूख लगा है जोरों से। और ये रहा हमारा मतलब अभी खाने का कुछ जो हम लेके आए थे भंडारे से वो डिश। ये तीनों भाई का लग चुका है। और भाई का ये जो बैग है हलवा रख के लाए थे उससे ये बैग की हालत हलवे जैसी ख़राब हो गई है। तो फिलहाल अभी कुछ खा के निकलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस फाइनली हम लोग कुछ खा के निकल चुके हैं और अब सीधा मंदिर पर चल के आपसे मिलेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से जाएंगे, क्योंकि अभी हमें 3 घंटा लगभग हो गया है और जाने में कहीं रात हो जाएगी तो जंगल में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलते हैं पहले मंदिर पर, सीधा आपसे मिलते हैं। सो गाइस मैंने सोचा कि सीधा आपसे मंदिर पर मिलूंगा, लेकिन रास्ते में कैसी चीज़ दिखाई दी जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जंगल में ऐसा एक पुल है, देखिए कैसा पुल है ये, जंगल में बीचों बीच आपने फिल्म वाली में देखा होगा ऐसा ही पुल रहता है जंगल में, देखिए बीच जंगल में ऐसा पुल है। और सो गाइस फाइनली त्रिवेणी नारायण में पहुँच गया, हो रहा है पीछे बोर्ड, चलते हैं मंदिर के पास। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पे और ये रहा पीछे मंदिर का गेट। और ऐसा बोला जाता है कि वो जो बादल दिख रहे हैं वो दोनों के बीच में केदारनाथ जी हैं नीचे, जहां हम कल आए थे वहां से। और चलते हैं मंदिर के अंदर और ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार। सो गाइस फाइनली मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और ये रहा पीछे मंदिर, और वो ब्रह्मा कुंड है, वहाँ आगे शंकर जी का कुंड है। और इसका कहीं ना कहीं स्तंभ केदारनाथ से मिलता जुलता है, पीछे से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। आपको दिखाता हूँ पीछे से पूरी तरह, कहीं ना कहीं ये केदारनाथ से मिलता जुलता है। और कहा जाता है कि शादी शंकर जी की अंदर हुई थी। तो फिलहाल चलते हैं नीचे। हाय, आपको मंदिर के बारे में क्या? हाँ, पवन ब्लॉग्स। मैं बिहार से हूँ। भैया को सब्सक्राइब करना। और ये मंदिर के बारे में कुछ आपको पता है? नहीं, हम बैठे हैं। आप लोगों को के बारे में ये पता है कि यहाँ पे माता जी शिव और पार्वती ने यहाँ पे फेरे लिए थे और वो अग्नि अभी तक जल रही है अंदर। अच्छा, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे? ठीक है। आपका शुभ नाम? शैलजा शर्मा। आपका? तो इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो मंदिर के अंदर आते ही हमें ब्रह्म कुंड मिलता है, जहाँ माना जाता है कि पांव हाथ धो ले तो पहले हम नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद पांव इसमें धो लेते हैं, पानी बहुत चिल्ड है। और हाथ है, हाँ अपन हाथ यहाँ से धो के चलते हैं आगे। और आगे जाने के बाद हमें मिलता है रुद्रकुंड। ये रहा रुद्रकुंड, जहाँ माना जाता है इसमें लोग नहाते हैं। और नहाने के बाद वो रहा विष्णु कुंड में शायद इसको चमामित माना जाता है। और आगे रहा सरस्वती कुंड, इसके बारे में मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ पूजा पाठ हो रही है। और ये है सरस्वती कुंड और इसके आगे ये शायद ये इसके बारे में मुझे जानकारी तो है नहीं। पंडित जी से पूछते हैं, हेलो बाबा ये मतलब क्या हो रहा है? पूजा हो रही है, पूजा कुछ तो होगा, ये इसका कुछ तो इतिहास। शंकर पार्वती का कन्यादान का जगह यहाँ पे, कन्यादान का जगह। तो यहीं शंकर और पार्वती जी का कन्यादान हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहीं शंकर जी और पार्वती जी का कन्यादान हुआ था और वही पॉइंट है, और इसीलिए यहाँ पूजा हो रही है। और आगे चलते हैं, हम कुछ पता करते हैं। फिलहाल हम अभी आ गए तो उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ लक्ष्य यज्ञ होता है, जो दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। और यही है लक्ष्य यज्ञ, जिससे दुनिया में शांति बनी रहती है ऐसा माना जाता है। तो फिलहाल अभी मंदिर का गेट बंद है और कुछ देर में मंदिर का गेट खुलेगा। अब भीड़ देख सकते हैं तो उसका इंतज़ार करते हैं हम लोग, कुछ देर बाद मंदिर के अंदर चलेंगे हम लोग। सो गाइस फाइनली मंदिर का गेट खुल गया है, और लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अंदर वीडियो करना अलाउ नहीं है, तो अंदर का जो दृश्य हम नहीं दिखा सकते। तो आपको जितना बाहर से दिखाया मंदिर सही है, और अंदर एक ज्योति जल रही है जो तीर्थ ही जल रही है। और जहाँ इसके पहले मैंने जो दिखाया था वो जहाँ वहीं शंकर जी और पार्वती जी के साथ फिरे हुए थे, इसके पहले जो क्लिप दिखाया मैंने। तो अभी चलते हैं मंदिर से, यहाँ से निकलते हैं फिर हम, क्योंकि दर्शन करके हम बाहर चलते हैं, बाहर मिलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं मंदिर के बाहर आ चुका हूँ, और अंदर जो अग्नि जल रही थी उसका कुछ मैंने फुटेज ले लिया छिपके। तो पहले आप वो फुटेज देखें, और यही वो अग्नि है जो पिछले तीर्था युग से जल रही है। और ये रहा पीछे अपना मंदिर, तो पहले आप वो वीडियो देख ले। ये वही आग है जो तीर्था युग से जल रही है और आज तक जलती है, और अभी भी जलती रहेगी, और क्योंकि लोग इसमें लकड़ी डालते हैं।
तो आपने वो वीडियो देख लिया, और यही वो अग्नि है जो तीर्थायुग से जल रही है, और ये मंदिर देखिए पूरा मंदिर ये। तो होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में।